नाज़रीन, डॉक्टर ज़बूल अल नज़ार एक बहुत बड़े मिस्ट्री स्कॉलर और अर्थ साइंटिस्ट हैं। कुरान पाक के साइंसी मौजों को बयान करने में इनको नुमाया मकाम हासिल है। सन 2006 में दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड्स में इनको इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वेल्स यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की और बहुत सी यूनिवर्सिटियों के अंदर अपनी खिदमात सरंजाम दी। इन दिनों ये किंग साउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, डॉक्टर ज़बूल का तारुफ कराने का मकसद ये था कि आपके सामने आज जो कहानी पेश की जा रही है उसको मंजर आम पर लाने वाले ये डॉक्टर ज़बूल ही थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन शख्स था जिसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को डिज़ाइन किया। आप लोगों ने मक्का और मदीना में लगे सफ़ेद पत्थर के बारे में भी सुना होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि वो सफ़ेद पत्थर कहां से आया और किस तरह से मक्का और मदीना में लगाया गया। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 में मिस्र में पैदा हुए। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ज़ाहिरी दुनियावी शोहरत से दूर नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक ऐसे मिस्री शहरी थे जिन्हें लोग प्रोफेसर ऑफ जनरेशंस के नाम से जानते हैं, और यही वो शख्स थे जिन्होंने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ को डिज़ाइन किया। नाज़रीन, वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हासिल करने वाले मिस्र की तारीख के सबसे कम उम्र शख्स थे, सबसे कम उम्र रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और सबसे कम उम्र फारिगुल तहसील होने वाले, सबसे कम उम्री में जिनको इस्लामी फन तामीर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रीज हासिल करने के लिए यूरोप भेजा गया। इसके अलावा वो मिस्र में गैर मुल्की इंजीनियरों की जगह लेने वाले पहले मिस्री इंजीनियर थे। वो नाइल स्काफ और बादशाह से आयरन रैक हासिल करने में भी सबसे कम उम्र थे। नाज़रीन, वो इस्लाम की 1400 साल तारीख के पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन के तौसीई मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उन्होंने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। और जब बकर बिन लादन नामी एक इंजीनियर ने इनको लाखों का चेक दिया तो इन्होंने कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए मुआवजा क्यों लूं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूंगा। वो इंजीनियर के काम की डिज़ाइनिंग और निगरानी के माहिर थे और अपने फ़राइज में किसी से चापलूसी को कबूल नहीं करते थे, ख्वाह वो बादशाही क्यों ना हो, जिसकी बिना पर वो शाह फहद और शाह अब्दुल्ला के बहुत करीबी और काबिल एतमाद थे। नाज़रीन, इन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की और इनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और जच्चगी के बाद फौत हो गई। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अपनी बीवी की वफात के बाद मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ रहे और दुनिया की रौनकों से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। नाज़रीन, इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नसब किए गए सफ़ेद पत्थर के हसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मताफ छत और बाहर सहन में लगा है। इसकी खसूसियत ये है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। नाज़रीन, ये पत्थर एक मूल ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल सफ़र करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफ़ी मकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का माहदा किया। माहदा पर दस्तखत करके वो मक्का वापस लौटे और हरम में पत्थर की तंसीम मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नसब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो बहुत परेशान हुए, क्योंकि कुराए अर्ज पर वाहिद जगह ग्रीस ही थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इसके बाद वो ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताया जाए जिसने बकिया तमाम मार्बल की मकदार खरीदी। तो उन्होंने कहा कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। कमाल साहब ने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल दिल ही दिल में सोचते रहे कि मुझे क्या ज़रूरत है कि पत्थर किसने ख़रीदा, अल्लाह खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उन्हें फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के ख़रीदार का एड्रेस मिल गया है। इंजीनियर कमाल ये सोचते हुए बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गए कि वो अब इस एड्रेस का क्या करेंगे, क्योंकि इतना लंबा अरसा तो गुजर चुका है। कमाल साहब जब दफ्तर पहुंचे तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल ख़रीदा था। जब कमाल साहब ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उनका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर से एक सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी अरब की थी। कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचकर सीधे उस कंपनी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने उस मार्बल कंपनी के डायरेक्टर एडमिन से मुलाकात की और पूछा कि आपने उस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से खरीदा था। तो उसने कहा कि मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रابطہ किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मिकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी रुदात सुनाई। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने कंपनी के मालिक को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। नाज़रीन, जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है तो उसने कहा कि मैं एक रियाल भी नहीं लूँगा, अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे ख़रीद करवाया है और फिर मैं भूल गया, इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी शरीफ में इस्तेमाल होना है। ये थी वो सफ़ेद पत्थर की दास्तान कि किस तरह से सफ़ेद पत्थर मक्का और मदीना में आया। हर एक मुसलमान के लिए इस तामीराती हुनर वाले शख्स डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस किस्से ने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया था और मुझे मजबूर किया कि ये सारी मालूमात अपने व्यूवर्स के साथ एक अच्छे अंदाज में शेयर की जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मेरी ये दुआ है कि वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए और डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल को जन्नत में बुलंद रुतबा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।